दोस्तों, आज आप इस वीडियो को काफी एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपका फेवरेट टॉपिक कवर करने जा रही हूँ। दोस्तों, आप हमेशा कोरियन कल्चर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, फिर चाहे वो लैंग्वेज हो या वहाँ का लाइफ स्टाइल। इसलिए आज मैं आपको कोरियन बिगेस्ट फेस्टिवल चुसोक के बारे में बताने जा रही हूँ, साथ ही इसके इंडियन फेस्टिवल के साथ सिमिलैरिटीज भी बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को ना सिर्फ पूरी देखना बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया और कोरिया दोनों ही एशियन कंट्रीज हैं, जिनकी लैंग्वेज, लाइफ स्टाइल और कल्चर देखने में तो काफी अलग लगता है, लेकिन जब हम इन दोनों ही कंट्रीज को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों ही कंट्रीज अलग होकर भी एक जैसी नजर आती हैं, और यही सिमिलैरिटीज आप चुसोक और दिवाली में भी देख सकते हैं। लेकिन हम चुसोक को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चुसोक फेस्टिवल क्या है। दोस्तों, आपने BTS मेंबर्स या K-pop आर्टिस्ट को ये फेस्टिवल विश करते हुए देखा ही होगा। वह चुसोक एक मिड ऑटम हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जिसे कोरियन थैंक्सगिविंग भी कहा जाता है। इस बार इसे 16th ऑफ सितंबर से लेकर 18th ऑफ सितंबर तक सेलिब्रेट किया जाएगा, और इसकी डेट लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, यानी एवरी ईयर ये चेंज हो जाती है। दोस्तों, चुसोक कोरिया के लिए कुछ बड़े फेस्टिवल्स में से एक है, जिसे फुल मून पर सेलिब्रेट करते हैं। इसका मेन पर्पस अपने एंसेस्टर्स को याद करना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना और गुड हार्वेस्ट के लिए प्रे करना होता है। दोस्तों, इस फेस्टिवल की इम्पोर्टेंस आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस फेस्टिवल के लिए 1 month पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाती है, जिसमें घर की सफाई से लेकर हाउस डेकोरेशन भी शामिल है। साथ ही इसे सारे फैमिली मेंबर्स अपने अपने होम टाउन जाकर सेलिब्रेट करते हैं, जहां उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स उनका वेट कर रहे होते हैं। इस दिन सभी फैमिली मेंबर्स न्यू क्लोथ वियर करते हैं, डिलीशियस फूड बनाते हैं और सबसे पहले अपने एंसेस्टर्स को सर्व करते हैं। बाद में सभी फैमिली मेंबर्स साथ बैठकर डिनर करते हैं, गेम्स प्ले करते हैं, साथ ही घर के बड़े छोटों को गिफ्ट्स देते हैं। इसके साथ ही कुछ फैमिली मेंबर्स अपने एंसेस्टर्स की ग्रेव पर जाकर उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उस दिन उनके एंसेस्टर्स उनसे मिलने यहाँ अर्थ पर आते हैं। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा आपको ये वैसा ही लगेगा जैसे कि इंडिया में श्राद्ध के टाइम हिंदू फैमिलीज अपने एंसेस्टर्स को फूड ऑफर करती हैं। अब बात करते हैं कि इस दिन को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए क्या क्या ट्रेडिशनल फूड प्रिपेयर किया जाता है। दोस्तों, आपने स्क्विड गेम में दालगोना गेम तो देखा ही होगा, तो इस दिन बच्चों के लिए दालगोना बनाया जाता है। इसके अलावा कांगजोंग, जिसे स्वीट राइस पफ भी कहा जाता है, इसे भी कई कलर्स और फ्लेवर्स के साथ बनाया जाता है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स, नट्स और सीड्स यूज किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप के ड्रामास देखते होंगे तो आपने हॉटडॉग यानी कोरियन स्वीट पैनकेक्स के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे अक्सर लीड एक्टर्स खाते दिखाए जाते हैं। ये भी एक स्वीट डिश है, यानी ये भी बाकी पैनकेक्स की ही तरह है, जिसमें सिनेमन, ब्राउन शुगर और नट्स के साथ साथ सीड्स की स्टफिंग से बनाया जाता है। और ऐसे ही ना जाने कितने वैरायटी फूड आइटम्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा सभी फैमिली मेंबर्स ट्रेडिशनल ड्रेस हानबोक वियर करते हैं। दोस्तों, जिस तरह हम सभी फेस्टिवल्स पर अपने रिलेटिव्स और नेबर्स को विश करते हैं, उसी तरह कोरियंस भी अपने रिलेटिव्स और नेबर्स के साथ न सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं बल्कि सभी मिलकर फोक डांस भी करते हैं और एवरी ईयर कुछ ना कुछ न्यू सरप्राइज प्लान भी करते हैं। वेल, ये फेस्टिवल होल वीक चलता है, जिसका मेन पर्पस फैमिली और लव वंस के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना होता है। इसलिए ऑफिशियली एवरी ईयर 4 to 5 days के लिए हॉलीडेज डिक्लेयर कर दी जाती हैं। तो अगर आप इस फेस्टिवल को करीब से देखना और एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप इन दिनों कोरिया जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके इस वीडियो या इस फेस्टिवल से रिलेटेड अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड सारंग यू।